we have already completed our 9th lesson data handling. हमने पहले से ही डेटा हैंडलिंग कम्प्लीट किया है. अब डेटा हैंडलिंग में क्या था, कुछ डेटा दैट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी हुई थी और उसे ऑब्जर्व करके दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखने थे. जैसे कोई भी शेप दिया हुआ था तो हमें बताना था इसके अंदर सर्कल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, स्क्वायर कितना है, लाइक दैट. अब पैटर्न्स क्या है, उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है. इसमें क्या करना है, सेम जैसे हम डेटा को ऑब्जर्व कर रहे थे इसी तरह से ही गिवन डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको ऑब्जर्व करना है और सेम चीज हमें फॉलो करनी है. क्या वहां पे क्या था, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे पर पैटर्न्स में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे फॉलो करना है, उसे फॉलो करना है दैट मीन्स वो पैटर्न को कंप्लीट करना है. पैटर्न का मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमें जिस तरह से दी हुई है उसी को फॉलो करके और वो चीज कंप्लीट करनी है, दैट मीन्स हमें वो पैटर्न कंप्लीट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स. यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं. नाउ लुक एट द नंबर 1, सर्कल स्क्वायर एंड 4 ब्लैंक्स आर गिवन. 4 डैश दिए हुए हैं तो हमें इन 4 डैश में क्या करना है, तो जो पैटर्न जो इंफॉर्मेशन हमें पहले दी हुई है उसी को ही फॉलो करना है. दैट मीन्स सर्कल स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सर्कल देन स्क्वायर देन सर्कल देन स्क्वायर. इस तरह से जो पैटर्न आगे दिया हुआ था पीछे हमने उसको क्या किया, फॉलो करके कंप्लीट कर दिया. नाउ 2 नंबर, अप एरो ऊपर एरो किया हुआ है देन डाउन एरो नीचे एरो किया हुआ है, अगेन अप डाउन. तो अप क्या आएगा, अप ऊपर एरो करना है देन डाउन नीचे, अगेन अप एंड देन डाउन नीचे. नाउ 3 नंबर, स्टार ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल नाउ इट्स टर्न ऑफ स्टार देन ट्रायंगल देन स्टार एंड देन ट्रायंगल. नाउ 4 नंबर, डबल सर्कल दोबारा सर्कल किया हुआ है स्क्वायर डबल सर्कल स्क्वायर तो देन इट्स टर्न ऑफ डबल सर्कल. दोबारा सर्कल किया फिर स्क्वायर, दोबारा सर्कल किया और फिर स्क्वायर. इस तरह से जो भी पैटर्न आगे है उसी को ही हमें फॉलो करना है. नाउ 5th नंबर इज डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम, फिर क्या आएगा डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम. ओके, नाउ 6th नंबर इज 1 2 1 2 देन अगेन 1 2 1 2. नाउ 7th नंबर इज ए बी सी डी, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न नहीं है जो फिर से रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ पे क्या था, सर्कल स्क्वायर फिर वापस सर्कल रिपीट हो रहा था और स्क्वायर रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने उसी को ही फॉलो किया, सर्कल स्क्वायर. या यहाँ पे क्या था, 1 2 अगेन 1 अगेन 2 तो हमने किसको फॉलो किया, 1 2 1 2 पर यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, दैट मीन्स वी हैव टू कंप्लीट द सीरीज. जो सीरीज है ए बी सी डी की वो कंटिन्यू करके कंप्लीट करनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच. ओके, नाउ नंबर 8 इज सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल. सो अगेन सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल. नाउ 9th नंबर इज सम सेमी सर्कल्स आर गिवन हियर, सेमी सर्कल दिए हुए हैं, हाफ सर्कल दिए हुए हैं. देखो यहाँ पे अब सेमी सर्कल है दैट मीन्स नीचे सर्कल है ऊपर लाइन है और यहाँ पे क्या है डाउनवर्ड्स मतलब नीचे लाइन ऊपर सर्कल, अगेन ऊपर लाइन नीचे सर्कल नीचे लाइन ऊपर सर्कल. तो अब क्या आएगा, ऊपर लाइन नीचे सर्कल नीचे लाइन ऊपर सर्कल, ऊपर लाइन नीचे सर्कल और नीचे लाइन ऊपर सर्कल. नाउ यहाँ पे कुछ एरोज दिए हुए हैं,
एक का फेस ये साइड है और दूसरे का फेस ये साइड है, दैट इज ये साइड देखे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देन अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द फॉलोइंग स्किप काउंटिंग बाय टू. अब ये क्या है स्किप काउंटिंग बाय टू, इसमें क्या है, जैसे हमें लास्ट टाइम डिफरेंट पिक्चर्स दिए हुए थे, लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंट पिक्चर्स दिए हुए थे और हमें हमने उसको ऑब्जर्व करके और बाद में फॉलो किया था, पर इसमें क्या है, इसमें हमें नंबर्स फॉलो करने हैं. देखो यहाँ पे क्या है, स्किप काउंटिंग बाय टू, स्किप मतलब जंप, हमें टू टू के जंप करने हैं. कैसे करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट. वन नंबर इज टू फोर, हाउ मेनी स्किप काउंटिंग वी हैव टू डन ऑफ टू, टू की स्किप काउंटिंग करनी है. तो हम इसमें क्या करेंगे, टू है तो पहले से ही हमारे टू फिंगर्स ओपन रखेंगे, देन फर्स्ट नंबर इज टू, देन थ्री फोर, सो फोर इज रिटर्न, देन फाइव सिक्स, सो वी विल राइट हियर सिक्स, देन सेवन एट, देन नाइन टेन, देन इलेवन ट्वेल्व. ओके नाउ व्हिच नंबर इज देयर, एट, एंड वी हैव टू स्किप काउंटिंग बाय टू. हमें क्या करना है, स्किप काउंटिंग बाय टू, तो हमने टू फिंगर्स पहले से ही ओपन रख दिए. नाउ फर्स्ट नंबर इज एट, एट के बाद क्या आएगा, नाइन टेन, टेन इज ऑलरेडी रिटर्न, टेन तो पहले से लिखा हुआ है, देन इलेवन ट्वेल्व, सो वी विल राइट हियर ट्वेल्व, देन थर्टीन फोर्टीन, देन फिफ्टीन सिक्सटीन, देन सेवनटीन एटीन. ओके अगेन दो फिंगर्स पहले से ही ओपन रखिए, विच नंबर इज देयर, ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन इज रिटर्न, फिफ्टीन सिक्सटीन, सो वी विल राइट हियर सिक्सटीन, देन सेवनटीन एटीन, सो वी विल राइट हियर एटीन, नाइनटीन ट्वेंटी, सो वी विल राइट ट्वेंटी, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू. नाउ सबसे पहले कौन सा नंबर है, एटीन, एटीन के बाद नाइनटीन ट्वेंटी, ट्वेंटी पहले से ही लिखा हुआ है, देन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू, देन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर, देन 25, 26, then 27, 28. इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा स्किप काउंटिंग बाय टू. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज स्किप काउंटिंग बाय थ्री. अब सेम प्रोसेस करना है जिस तरह हमने स्किप काउंटिंग बाय टू किया, पर इसमें क्या है, स्किप काउंटिंग बाय थ्री, तो हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन, कितनी फिंगर्स ओपन रखनी है, थ्री. ओके इसमें स्किप काउंटिंग बाय थ्री है तो हम तीन फिंगर्स ओपन रखेंगे, थ्री फिंगर्स ओपन रखेंगे और काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट नंबर इज थ्री, देन फोर फाइव सिक्स, सिक्स इज रिटर्न, सेवन एट नाइन, सो वी विल राइट हियर नाइन, टेन इलेवन ट्वेल्व, वी विल राइट ट्वेल्व, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, वी विल राइट फिफ्टीन, देन 16, 17, 18, we will write 18. Okay. Now उसके बाद क्या है, 9, 12, three fingers हमने open रखे, first number is 9, 10, 11, 12, 12 is written, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, then 15, 15 के बाद क्या आएगा 16, 17, 18, 18 लिखा हुआ है 19, 20, 21, so we will write here 21, then 22, 23, 24, we will write 24, then 25, 26, 27, 27, then 28, 29 and 30. Then next is 6. So after 6, 7, 8, 9. 9 is written.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, then 5 number is 12. So after 12, 13, 14, 15, 15 is written, then 16, 17, 18. So we will write 18, 19, 20, 21. Then 22, 23, 24. Then 25, 26, 27. Okay. Here we are completing this part. Then again, next part में इसके आगे की counting सीखेंगे. Okay. Thank you.
Now question number 6 is give one word. Okay, one number is house, house, of, early, man, man. House of early man. अर्ली मैन मतलब पहले के लोग, जो पहले लोग होते थे जब हाउस में नहीं होते थे तो वो कहाँ पे रहते थे, तो वो रहते थे केव्स में, गुफाओं में. तो गुफाएं उनका क्या हो गई, हाउस हो गई. हम भी जहाँ पे रहते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हाउस. तो वो केव्स में रहते थे तो केव्स उनका हाउस हो गई. तो हाउस ऑफ अर्ली मैन केव्स, CAVES केव्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग. यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ चीजें लिखी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट रूम्स के नाम लिखे हुए हैं. इन चीजों को लेके हमें उनके रूम तक पहुंचाना है. ओके, तो सबसे पहले क्या है, SOAP सोप. अब हम सोप कहाँ पे लेके जाएंगे, हम सोप लेके जाएंगे बाथरूम में. तो ये रहा बाथरूम का स्पेलिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे SOAP सोप. Now next, what is this? BED bed. अब बेड कहाँ पे रखते हैं, हम बेड रखते हैं बेडरूम में. तो यहाँ पे लिखेंगे BED bed. Now next क्या है, ब्लैंकेट. BLANKET ब्लैंकेट. ब्लैंकेट मतलब कंबल, जो हम रात को ओढ़ के सोते हैं. तो ब्लैंकेट भी हम कहाँ रखेंगे, बेडरूम में. तो हम बेडरूम में लिखेंगे ब्लैंकेट, BLANKET ब्लैंकेट. नेक्स्ट इज SPOON स्पून. स्पून हम कहाँ पे रखते हैं, किचन में रखते हैं. तो यहाँ पे किचन में लिखेंगे हम स्पून. नेक्स्ट इज PILLOW पिलो. पिलो मतलब तकिया. हम पिलो कहाँ पे यूज करते हैं, बेडरूम में. तो वी विल राइट हियर पिलो. नेक्स्ट इज SHAMPOO शैम्पू. शैम्पू कहाँ पे यूज करते हैं, हम बाथरूम में. तो वी विल राइट हियर शैम्पू, SHAMPOO शैम्पू. नेक्स्ट इज GAS गैस, STOVE स्टव. गैस स्टव, गैस कहाँ पे रखते हैं हम, गैस स्टव. गैस स्टव रखते हैं किचन में. तो हम गैस स्टव कहाँ पे लिखेंगे, किचन में. GAS STOVE स्टव, गैस स्टव. नेक्स्ट इज KNIFE नाइफ. नाइफ मतलब चाकू. तो हम नाइफ कहाँ रखते हैं, नाइफ भी रखते हैं हम किचन में. तो वी विल राइट हियर KNIFE नाइफ. एंड नेक्स्ट इज TOWEL टॉवल. टॉवल कहाँ यूज करते हैं, बाथरूम में. तो वी विल राइट टॉवल इन बाथरूम. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.